ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा निवास दिल्ली स्थित पीसी में होगी। मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल। समय की अगर बात करें तो दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा निवास में ये पीसी होगी। बड़ी जानकारी दिल्ली से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल में 3 साल के कुल मिलाकर इस तरह 8 साल पूरे हो रहे हैं। और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा निवास में होगी। किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात मुख्यमंत्री रखते हैं, किन बिंदुओं को लेकर बात करते हैं, इनको लेकर तमाम बातचीत की जाएगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, हरियाणा में सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समय 2:30 बजे बताया गया है। क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर और पीसी किस तरह से खास रह सकती है, किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं सीएम? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी। सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ऐसे में 8 साल पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 2:30 बजे होती हुई नजर आएगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके की बातें जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आते हैं, सरकार किस तरीके से चलती हुई नजर आई है, सरकार की जो योजनाएं थी वो आज जो है किस तरीके से जनता के पास जो है पहुंचती हुई नजर आई, उनका जो भला है उन योजनाओं के तहत जो है होता हुआ नजर आया, इसी को लेकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्या कुछ नई घोषणाओं की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करते हुए नजर आ सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लगी हुई है और इसी के कारण हो सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में रखी गई है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री जो है क्या कोई नई बात या फिर कहें कि कोई नई घोषणा जो है यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। जाहिर तौर पर स्पर्श इंतजार करना होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 के चुनावों में आम चुनावों को लेकर किस तरह से सरकार के कामकाज रहे हैं दोनों कार्यकाल को मिलाकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट दिखाई दे सकता है किन मुद्दों को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाह रही होगी। देखिए, अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, 2024 की बात करें या उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात करें, तो सरकार का विजन एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और ना केवल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें बल्कि कल भी फरीदाबाद में जन उत्थान रैली होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने पर। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है उस रैली में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो वहां पर जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो 8 साल हो रहे हैं प्रदेश सरकार को वो जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हर लिहाज से, जहां सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, या फिर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आएंगे उसके लिहाज से। बिल्कुल स्पर्श, देखना होगा कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें करते हैं, किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं दो कार्यकाल मिलाकर, पहले 5 साल और अब दूसरे सरकार में 3 साल। इस तरह से 8 साल का काम पूरा हुआ है और क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की, जन कल्याण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह से लोगों की जो समस्याएं थी उनको खत्म किया गया, लोगों की सुविधाओं में इजाफा किया गया प्रदेश में, तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे का समय यह बताया गया है जहां पर दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम मनोहर लाल करेंगे और 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते हैं जानकारी के अनुसार। इतना ही नहीं, एक बड़ी रैली कल होने जा रही है सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर, जिसे गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और इस रैली को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चली हैं।